नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज इस समय बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है गूगल प्ले की तरफ से। गूगल ने पेटीएम को कल बड़ा झटका दिया था कि पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था, लेकिन आज बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है पेटीएम की तरफ से कि ये पेटीएम को खुशखबरी मिली है कि जो कल गूगल प्ले ने पेटीएम को बंद किया हुआ था, वो आज प्ले स्टोर पर पेटीएम फिर से वापस आ गया है। और प्ले स्टोर पर आप पेटीएम फिर से देख सकते हैं, बस उसमें एक अपडेट का ऑप्शन आएगा। आपको पेटीएम प्ले स्टोर में सर्च करना है और फिर वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। या अगर आपके फ़ोन में पहले से ही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर वापस से आ गया है। तो जो लोग पेटीएम यूज़ करते थे उन्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो अब पेटीएम दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। हालांकि कुछ पॉलिसीज़ गूगल की थी, जैसे कि इस समय आईपीएल चल रहा है तो पेटीएम इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था कि जैसे कोई सट्टा लगाना, या इस समय आईपीएल चल रहा है तो लोग जुआ लगा रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, और इस प्रकार की कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जैसे कि इतने पैसे लगाओ इतने पैसे मिलेंगे, तो वगैरह वगैरह इस टाइप की कुछ भी एप्लीकेशंस को पेटीएम प्रमोट कर रहा था। तो अब पेटीएम ने गूगल से मना कर दिया है कि अब मैं नहीं करूँगा, तो इस वजह से गूगल ने पेटीएम को वापस से अपने प्ले स्टोर पर ले लिया है। और अब पेटीएम के यूज़र्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, और पैसा तो था ही, और गूगल प्ले स्टोर पर अब वो वापस से अपना पेटीएम ऐप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं जिनके पास नहीं था, और जिनके पास पहले से ही था तो उन्हें उनके पास रहेगा ही। तो अगर इस खबर से आपको फ़ायदा मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, ताकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।